कोरोना महामारी की इस घड़ी में ग्राम प्रधान के कुशल कार्यशैली से गांव में खुशहाली की लहर है। बड़े बुजुर्गों को मास्क का वितरण एवं बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जा रही है। ग्राम प्रधान अपने 5 वर्षीय कार्यकाल में गांव में विकास की बाढ़ सी ला दी है। आज कोरोना वायरस से पूरा देश लड़ रहा है। इस महामारी ने देश को झकझोर कर रख दिया है, तो माननीय प्रधानमंत्री ने अब ग्रामीण अंचलों की निगरानी गाँव के मुखिया और प्रधानों को दी है। वही कोरोना महामारी की इस घड़ी में ग्राम प्रधान अपने गाँव के लोगों को इस कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। गांव की सूरत हाल का जायजा लेने पहुंचे इंडिया पोस्ट न्यूज को ग्राम प्रधान ने बताया कि शासन द्वारा सभी दिशा निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। गांव में सैनिटाइजर कराया जा चुका है और समय समय पर दवे का भी छिड़काव कराया जाता है। शासन द्वारा बनाए गए सभी दिशा निर्देशों का एवं गाइडलाइन का पालन किया जाता है। मजदूरों को होम क्वारंटाइन कराया जाता है एवं मेडिकल परीक्षण भी कराया जाता है। होम क्वारंटाइन किए गए प्रवासी मजदूरों की निगरानी के लिए टीम गठित करके इनकी निगरानी की जा रही है एवं रहन सहन की भी उचित व्यवस्था की गई है। प्रधान ने बताया कि गांव के जरूरतमंद गरीब असहाय लोगों को इनकी जरूरतों के अनुसार मदद भी की जाती है। घर घर जाकर बड़े बुजुर्गों को मास्क सैनिटाइजर का वितरण कराते हुए बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। ग्राम प्रधान की कुशल कार्यशैली से संपूर्ण गाँव में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है एवं खुशहाली की लहर दौड़ रही है। जा रही है संक्रमण की, तो इस समय लग रहा है कि इस समय अब लॉकडाउन होना चाहिए जी। जनता की भी इसमें ज़्यादा लापरवाही है, सरकार की भी लापरवाही नहीं कही जा सकती, क्योंकि जनता की भी लापरवाही है, क्योंकि बिना काम के भी लोग बाहर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं जी। जी लोग मानते हैं, कुछ बात मानते हैं, जो समझदार व्यक्ति हो मानते हैं, जो नहीं समझदार व्यक्ति वो नहीं मानते हैं जी। जी 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 नहीं नहीं फ़ायदा हो रहा है उससे लोगों को। 2 दिन लॉकडाउन रहता है तो कम से कम सब लोग घर पे रहते हैं और कोई बाहर नहीं निकलता है, ज़रूरी काम के लिए कोई बाहर निकलता है, बाकी सब लोग घर ही पे रहते हैं। हाँ कामयाब हुआ है जी। जी कामयाब हुआ। और अभी अगर फिर से लॉकडाउन अगर पूर्ण लॉकडाउन अगर लगाने पड़ जाएगा, क्या आवश्यकता पूर्ति सरकार तो शासन ऐसा आदेश करता है अगर जी, तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से काम लोगों को आप मैनेज करेंगे, अगर ऐसे बताएं तो बताएंगे। सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश है तो जी जी सहमत होंगे या फिर आप खिलाफ? नहीं नहीं सहमत है मुझसे। क्या लगता है पूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता है? जी आवश्यकता है अभी। नाम लक्ष्मीकांत प्रजापति, ग्राम प्रधान भी गई हैं।